आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड इट इज व्हिच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो हमारे पास चार ऑप्शन है जिसमें चार कॉम्प्लेक्सेस दिए गए और हमें उसकी ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर, दैट इज वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, उससे चेक करना है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत। तो सबसे पहले मैं बता दूं पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक को मैं पैरा से लिख रहा हूं, ठीक है। पैरामैग्नेटिक उन्हें बोलते हैं जिसमें कि अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वही डायमैग्नेटिक में प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, दैट इज अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो देखिए, हम लोग फर्स्ट ऑप्शन से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा Ni PPH3 होल थ्वाइस Br2, ठीक है। यहाँ P क्या है? फॉस्फोरस, और PH क्या है? फिनाइल। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है? जीरो। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने x एज्यूम किया, PPH3 की वजह से जीरो चार्ज आएगा और Br2 की वजह से -1 × 2, एक Br की वजह से -1 चार्ज, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स में चार्ज जीरो। तो x की जो वैल्यू हमें क्या मिल गई? +2, ठीक है। अब देखिए, निकल का हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वो हो जाएगा आर्गन 3d8 4s 2। तो निकल 2 प्लस में क्या होगा कि 4s का जो दो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज हो जाएगा, तो आर्गन 3d8 4s 0, ठीक है, Ni 2 प्लस का। ये हो गया हमारा क्या? Ni 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी। तो हमारा 3d ऑर्बिटल जो है उसमें चेक करते हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो देखिए, PPH3 और Br- बोथ आर वीक फील्ड लिगेंड। कैसे हैं? वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में क्या होता है कि सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो मैंने यहाँ देखिए लिखा T2g और Eg। T2g कौन सा ऑर्बिटल है? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, दैट आर DXY, DYZ एंड DZX, ये तीनों जो है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। उसके बाद हमारा Eg, DX2Y2 एंड DZ2 ऑर्बिटल, ये हमारा कौन सा? एक्सियल ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखते हैं इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। ज्योमेट्री के पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। PPH3 एंड Br- जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किए, उसके बाद पेयरिंग किए, उसके बाद हमने पेयरिंग की, ठीक है। 4s के बाद आएगा हमारा 4p। अब देखिए, जो PPH3 और Br- है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर 4s और 4p के ऑर्बिटल में डोनेट करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। क्या होती है? टेट्राहेड्रल। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट टेट्राहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक। टेट्राहेड्रल तो है, पैरामैग्नेटिक है कि नहीं? देखिए, यहाँ दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक भी होगा, इट इज पैरामैग्नेटिक आल्सो, ठीक है। मैं पैरामैग्नेटिक को यहाँ पैरा से लिख रहा हूँ। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट निकला, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा NiCO4 का चेक करना है, ठीक है। तो NiCO4, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स भी चार्ज जीरो है, CO इज न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड, तो इसके कारण जो चार्ज है वो जीरो आएगा, और ये भी है जो निकल है उस पर भी चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो देखिए, निकल का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा है, तो क्या होगा जब CO जो है लिगेंड के रूप में अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने के लिए आएगा, तो क्या होगा कि जो निकल का ये जो 4s का दो इलेक्ट्रॉन है वो 3d8 में चला जाएगा, ठीक है, 3d8 के साथ शामिल हो जाएगा। तो आर्गन 3d8 + 2, दैट इज 10, और 4s 0। तो इसके इसका मतलब क्या हो गया कि 3d ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड होंगे, ठीक है, ये मैंने कर दिया सारे इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड। उसके बाद आएगा हमारा 4s और 4p का तीन ऑर्बिटल, तो CO जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर 4s और 4p के तीन ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। क्या होगी? टेट्राहेड्रल, मैंने यहाँ बताया था। अब देखिए, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड है, तो ये कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी है, डायमैग्नेटिक नेचर भी है, तो बी भी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है NiCN4 2-, क्या है? NiCN4 2-, ठीक है। सबसे पहले Ni का हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। हमने x एज्यूम किया, x प्लस -1 × 4, एक CN की वजह से -1 चार्ज, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 2, x की वैल्यू जो हमें मिली वो +2। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया हमें +2, ठीक है। अब देखिए, इसके देखते हैं हम लोग 3d ऑर्बिटल में फिलिंग कैसे होगी। Ni 2 प्लस का मैंने ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा है, ये 3d ऑर्बिटल, 4s फिर 4p के तीन ऑर्बिटल, ठीक है। देखिए, CN- इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में क्या होगा कि जो पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग T2g में होगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की फिलिंग
D2G में होगी, उसके बाद पेयरिंग होगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की फिलिंग EG में होगी। ठीक है, तो हम लोग फिलिंग करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 1, 2, 3, अब करेंगे पेयरिंग, 4, 5, 6, फिर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन, 7 और 8। तो देखिए जब CN माइनस जब अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने के लिए आएगा तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे इसके साथ पेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा, और ये जो ऑर्बिटल है वो हमारा वैकेंट हो जाएगा। ठीक है, वैकेंट हो जाएगा ताकि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन सके, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो CN माइनस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा, 1, 2, 3 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन हो गया यहाँ पे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, DSP2। ठीक है, तो DSP2 जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी इसकी, स्क्वायर प्लेनर। अब देखते हैं नेचर क्या होगा, देखिए यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड है, क्या है, पेयर्ड है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा नेचर, डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो हमारा ऑप्शन देखिए स्क्वायर प्लेनर एंड डायमैग्नेटिक इन नेचर, तो ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट। लास्ट है हमारा NiCl4 2-। तो NiCl4 2- में हम लोग सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, NiCl4 2-। हमने x एज्यूम किया, x प्लस माइनस 1 टाइम्स 4 इज इक्वल टू माइनस 2, x की वैल्यू क्या हो गई, प्लस 2। हमने यहाँ लिखा है निकल 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखते हैं सीधे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, Cl- इज अ वीक फील्ड लिगेंड। कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में मैंने बताया था क्या होगा, सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो फिलिंग करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। उसके बाद देखिए 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी, तो Cl- अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ डोनेट करेगा, 4s और 4p के तीन ऑर्बिटल में, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, as the coordination number is 4। ठीक है, तो जब हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया हमारा, sp3। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, मैंने बताया था टेट्राहेड्रल, तो ज्योमेट्री यहाँ टेट्राहेड्रल है और नेचर क्या है, पैरामैग्नेटिक, दो इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड है। तो देखिए हमारा यहाँ पे बोला गया कि ये स्क्वायर प्लेनर होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है, डी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हमारा आंसर क्या होगा, ABC एज द ऑप्शन आस्क्ड अबाउट करेक्ट स्टेटमेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।